ये मैं हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मेरा नाम है सागर ठाकुर और इस वक्त मैं हूँ करजत में। एक बहुत ही अच्छी जगह जा रहा हूँ वीडियो बनाने और बस भी आ चुकी है। ये बस में जाऊँगा मैं, तो अभी बस में बैठ गया हूँ मैं। अभी जा रहा हूँ बोरगांव, यहाँ से देख सकते हैं आगे का रास्ता। तो अभी वो बस से उतरा मैं, ये बस से उतर के ट्रेन वैली व्यू है एक पॉइंट, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ। तो ये पॉइंट मैंने बहुत पहले से देखा है, एक दो साल हो गया रहेगा, मतलब सब अब जाऊँगा। तो फाइनली आज मैं जा रहा हूँ। और गाइस, मैंने पहले भी बताया, मुझे ऐसे शांति वाले जगह पे, सुनसान जहाँ पे पूरा हरियाली हो जगह, उस सब जगह पे मुझे ट्रैवल करना, रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। शोर शराबा जरा भी पसंद नहीं है मुझे। देख सकते हैं ऐसा रास्ता है, पूरा गाँव एरिया है। जो ट्रेन वैली व्यू है ना, वहाँ पे एक पहाड़ ऊपर से नीचे से वो ट्रेन जाता है, और वहाँ पे गदर जो फर्स्ट पार्ट थी जो सम 2000 में आई थी, तो वो फिल्म की शूटिंग हुई है, बहुत सी फिल्म की शूटिंग हुई है। सो गाइस, फाइनली स्पॉट पे पहुँच गया हूँ। ये देख सकते हैं नीचे रेल ट्रैक है, मैं कोशिश करूँगा आगे जाने का। और यहाँ पर अभी कुछ 3:30 बजे ट्रेन आने वाला है, तो उसका भी व्यू अच्छा मिल जाएगा, मज़ा आएगा। जोखिम वाला काम है लेकिन मज़ा आता है करने। ये देख सकते हैं कैसे रास्ते से जाना पड़ रहा है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत झाड़ है यहाँ पे, और ये नीचे रेल ट्रैक। ज़्यादा आगे जाऊँगा तो गिर जाऊँगा, इसलिए यहीं से थोड़ा दूर से वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से नज़ारा भी देख सकते हैं आप पहाड़ों का। अभी ये एक दो महीना तक रहेगा हरियाली, फिर जब ज़्यादा बारिश ख़त्म हो जाएगा है ना, पूरा सूख जाएगा झाड़। फिर जब मानसून स्टार्ट होएगा ना, फिर पूरा हरियाली स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैंने तो सोचा ये ब्रिज रहेगा, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। ये तो कुछ पानी का वो है, यहीं से ट्रेन आएगी। अच्छा, वहाँ पे टनल है सामने, यहाँ से ट्रेन आएगी। बहुत रिस्की वाला काम कर रहा हूँ मैं आज। कब आएगी ट्रेन पता नहीं, लेकिन गिरेगा तो मर ही जाएगा सीधा, बहुत डेंजर है। यहाँ से पूरा पानी, अच्छा ये पानी पास होने का बनाया है, यहाँ से भी डेंजर है। तो दोस्तों, ये जो पानी का ब्रिज देख सकते हो, ये इस पहाड़ से उस पहाड़ पे जाने के लिए बनाया है। तो जो भी पानी पहाड़ पे से आता है, वो ये साइड भी पानी पास हो जाए और उसका यूज़ हो, तो ये स्पेशली बनाया है। और मैं अभी बहुत ही रिस्की वाला काम कर रहा ब्लॉगिंग, तो लाइक करके देखो। ऐसा ब्लॉगिंग बहुत कम लोग करते होंगे। देखो कैसे चल रहा हो, राम 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 राम। देख सकते हैं इतना, कम से कम 5-6 माला का तो हाइट रहेगा। और अभी 4:30 बजे तक ट्रेन आएगा, तब तक मैं थोड़ा आगे घूम लेता हूँ। और आप तो यहाँ मत आना, बहुत ही डेंजर रिस्की वाला काम है। अब मैं जा रहा हूँ आगे साइड। तो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, यहाँ थोड़ा आसपास घूमूंगा। ट्रेन को अभी टाइम है 4:30 बजे का, और देख सकते कुछ फैक्ट्री बहुत है, और यहाँ पे जाने का रास्ता है, मतलब यहाँ से लोग आते जाते हैं। यही आसपास के गांव वाले ही रहेंगे। तो दोस्तों, व्यू देख सकते हैं, और यहाँ से टनल स्टार्ट हो रहा है, और ये टनल बहुत ही ज़्यादा लंबा है, सीधा वो करजत साइड ख़त्म होएगा, और यहाँ से ट्रेन आएगी। अभी ट्रेन को आने में कुछ टाइम है। तो गाइस देखा, गांव का एक बच्चा मिला, क्या बना रहे बाबू? नाव, कुआं, क्या बना रहे? कुआं। तो इसने इसमें थर्मोकोल में पानी भर के रखा है, और ये क्या है? कुआं। इसका क्या करेगा? अच्छा, ये टंकी। अरे वाह, सही है। तो
तो गाइस वापस आ गया मैं अभी, बस कुछ टाइम में ट्रेन आने ही वाला है तो मैं रेडी हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। जैसी ट्रेन आएगा मैं बीच में जाके खड़े हो जाऊँगा। बस ये नदी यहाँ से बहुत आगे साइड जाता है और ट्रेन आने वाला है। तो गाइस ट्रेन आ गई है, आवाज़ आया है, यहाँ से ट्रेन आएगी फिर वो टनल में जाएगी फिर वो करजत पहुँच जाएगा। सो गाइस फाइनली ट्रेन आ चुकी है, देख सकते हैं। अच्छा कोई माल गाड़ी है ये, और ये मैं हूँ। जिगर होना चाहिए जिगर, ये आराम से उतरते हैं। तो दोस्तों ये था मालगाड़ी, लेकिन एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो आने वाली है, उसका भी वीडियो बनाऊंगा फिर मैं यहाँ से जाऊंगा। और सही गाइस ये दोनों पहाड़ के साइड है ना, बड़ी बड़ी जाली से बांध के रखा है क्योंकि लैंडस्लाइड ना हो, क्योंकि ट्रेन को कुछ प्रॉब्लम ना हो, अगर छोटा मोटा पत्थर भी गिरे तो ट्रेन के पास ना आए, इसलिए जाली से बांध के रखा है पूरे। सो गाइस कम से कम आधा घंटा वेट करने के बाद ट्रेन लेट था और अभी हॉर्न का आवाज़ आ गया, ट्रेन आ रही है। जय श्री राम, अच्छे से हो जाए बस। बहुत स्पीड में है तो ट्रेन तो वो स्पीड में था यार, कई टनल के अंदर। स्लो हो गई। तो गाइस मज़ा आ गया, थोड़ा बहुत डर लगा, बजरंग बली का नाम लिया था, कुछ हुआ नहीं। और ये जो मैं व्लॉग बनाया हूँ, ये व्लॉग देख के ऐसा कोई करे ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, जो कि बहुत बिना मतलब सेफ्टी के साथ है, तो आप लोग ऐसा ना करें। मेरे को क्या है, मैं तो मतलब बहुत ट्रैकिंग वर्किंग करता हूँ, बहुत ही एक्टिव फुर्तीला हूँ, इसके वजह से हो जाता है। अभी यहाँ से आगे आधे किलोमीटर में हाईवे, वहाँ से बस पकड़ के रेलवे स्टेशन, वहाँ से ट्रेन पकड़ के घर। तो दोस्तों यहाँ एक गांव में रास्ते में था, तो ये गांव में जो कुआ का पानी ऊपर तक भर गया है, एकदम लेवल तक ऊपर, लेकिन बहुत गहरा हो गया ये। तो दोस्तों सामने का नज़ारा देख सकते हैं, तो मैंने एक सॉफ्ट ड्रिंक लिया, पी लिया, अभी टैक्सी आएगी, यहाँ से स्टेशन जाऊँगा, फिर ट्रेन पकड़ के घर। Thank you.